नमस्कार दोस्तों, नूतन स्टडीज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप कैसे अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को खुद भी कर सकते हैं। कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए, जिसके लिए आपको किसी एडवाइजर की जरूरत नहीं है, और आप काफी अच्छे से अपने फाइनेंशियल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने फ्यूचर को अच्छे से मैनेज भी कर सकते हैं एज अ फाइनेंशियल्स। तो इस फाइनेंशियल प्लानिंग को हम कुछ पार्ट्स में देखेंगे, और पहले पार्ट में मैं बात करूंगा मंथली एक्सपेंसेस की। मंथली एक्सपेंसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आप अपने मंथली एक्सपेंसेस को ही कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में काफ़ी मुश्किलें हो सकती हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल नूतन स्टडीज पर। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा मैं बता रहा था कि एक्सपेंसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ये हर एक पर्सन के लाइफ में एक वेरी क्रूशल रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने फाइनेंशियल्स या एक्सपेंसेस को ही कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने फ्यूचर को कैसे जी पाएंगे? आप कैसे पता लगा पाएंगे कि भाई मैं महीने में इतना खर्चा करता हूँ, तो मुझे अच्छे से लाइफ जीने के लिए इतने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी? तो जैसा मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने इसको अच्छे से कैलकुलेट नहीं किया हुआ है और मैनेज नहीं किया हुआ है, तो ये आपके लाइफ को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। क्योंकि हो सकता है आने वाले फ्यूचर में आपके पास लाइफ में जीने के साल तो बहुत हो, लेकिन आपके पास पैसा ना हो। तो ऐसी कंडीशन ना हो, इसके लिए जरूरी है कि आप अपने एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करते रहें, अपडेट करते रहें, और अकॉर्डिंगली आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग करते रहें। क्या आप, अगर मैं बात करूं, आप अगर जानते हैं अपने एक्सपेंसेस के बारे में, तो क्या आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं कि भाई आपको मंथली एग्जैक्टली कितने एक्सपेंसेस की जरूरत लगती है, या आप कितना मंथली एक्सपेंसेस हर महीने में करते हैं एक्यूरेटली? साथ ही साथ आप इस क्वेश्चन का भी जवाब दें कि जितने खर्चे आप करते हैं, क्या आप उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं कि मेरे इस कैटेगरी में इतने इतने खर्चे होते हैं? अगर आप इन दोनों क्वेश्चन का अच्छे से जवाब नहीं दे सकते हैं, तो मेरा ये वीडियो आप सभी के लिए है। तो एक्सपेंसेस को जनरलाइज वे में अगर मैं बात करूं, तो सात कैटेगरीज में मैं बांट रहा हूं आपको। मैं चाहता हूं कि आप इन कैटेगरीज को अपने अकॉर्डिंग या तो डिवाइड कर ले, या जैसा मैं आपको बता रहा हूं वैसा आप एक्सेल शीट्स में कैटेगरीज बना के उसमें हर महीने अपने एक्सपेंसेस को अपडेट करते रहें, ताकि आपको एक 6 महीने में आइडिया हो जाए कि आपको एक एक्सपेंसेस में कितना, सॉरी, एक कैटेगरी में आपका कितना एक्सपेंस होता है। तो जो सात कैटेगरीज मैं बता रहा हूं वो इस टाइप से हैं। पहला है डेब्ट एक्सपेंसेस। अगर आपने कहीं से लोन ले रखा है, तो उस तरह के एक्सपेंसेस ये डेब्ट एक्सपेंसेस में होंगे, ऐसे खर्चे जो आपको चुकाने हैं। देन हाउसिंग एक्सपेंसेस, घर से रिलेटेड जो चीजें रहती हैं, जैसे रेंट हो गया या बिल्स हो गए, एक्सेट्रा, ये सब चीजें हाउसिंग एक्सपेंसेस में रहती है। हम इनको सबको डिटेल्स में देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज हो सकती हैं, अभी मैं जस्ट टाइप बता रहा हूं। देन लिविंग एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो आपको रोजमर्रा के लिए या जीने के लिए जरूरी हैं। देन ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, आप रोजमर्रा में अपने ऑफिस जाते होंगे, वहां से आते होंगे, टैक्सीज लेते होंगे, तो वो खर्चे। चिल्ड्रन एक्सपेंसेस, आपसे आपके बच्चों से रिलेटेड खर्चे। लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस, आप लाइफ को किस तरह से जीना चाहते हैं, उसमें किस तरह के खर्चे करना चाहते हैं, वो लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। और इसके अलावा जो बचते हैं, दोज आर अदर एक्सपेंसेस। तो आइए अब हम इनको डिटेल्स में देखते हैं कि इन कैटेगरीज में सब टाइप क्या क्या हो सकते हैं। पहला, जैसा मैं बात कर रहा था, डेब्ट एक्सपेंसेस। तो डेट एक्सपेंसेस वो है जो आपने किसी से अगर कोई चीज उधार ली हुई है, तो आपको उसको चुकाना ही है एक तरह से, तो दोज आर डेट एक्सपेंसेस। इसमें कौन कौन से टाइप हो सकते हैं? पहला है होम लोन ईएमआई, अगर आपने घर परचेस किया हुआ है तो उसकी ईएमआई अगर आप पे कर रहे हैं तो दैट विल बी इंक्लूडेड। सिमिलरली अगर आपने कार लोन पे ली हुई है, तो कार लोन ईएमआई। अगर आपने कोई पर्सनल लोन लिया हुआ है, तो उसकी ईएमआई भी जा रही होगी। साथ ही साथ अगर आपके कोई फैमिली पर्सन, जैसे कि स्पाउस ने अगर कोई लोन लिया हुआ है, तो उसकी ईएमआई। और इसके अलावा अगर आपने क्रेडिट कार्ड से हर महीने आप जो भी परचेस करते हैं, उससे रिलेटेड जो बिल्स रहते हैं, दोज आर ऑल्सो इन डेट एक्सपेंसेस। तो ये कुछ ब्रॉडर वेज में मैंने सब टाइप किए हुए हैं डेट एक्सपेंसेस के। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट खर्चे की, दैट इज हाउसिंग एक्सपेंसेस।
हाउसिंग एक्सपेंसेस में मैं जैसा बता रहा था कि ऐसे खर्चे जो आपको हर महीने होते ही हैं और आप उसको चेंज नहीं कर सकते। उसमें क्या क्या हो सकता है, रेंट फिक्स्ड अमाउंट है और एवरी मंथ आपको ऑटोमेटिकली रेंट में देना होता है। अगर आप अपने खुद के घर में नहीं रह रहे हैं, रेंट पर रह रहे हैं, तो आपको रेंट चुकाना होगा। साथ ही साथ आप अगर रेंट पे भी रह रहे हैं या आप अपने खुद के घर पे भी रह रहे हैं, तो कभी कभी मंथली मेंटेनेंस भी लगते हैं। आप बड़ी बड़ी सोसाइटीज की मैं बात करूं तो उसमें मंथली मेंटेनेंस चार्जेस भी लिए जाते हैं, वो भी इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। देन मेड चार्जेस, ये फिक्स चार्जेस है जो आपको मेड को प्रोवाइड करने हैं। साथ ही साथ आपने अगर कुछ हाउस होल्ड आइटम्स लिए हुए हैं, जैसे एसी हो गया या वॉशिंग मशीन हो गई, कोई भी हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, तो आजकल उसको मेंटेन करने के हर साल के चार्जेस लगते हैं, वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और बिल्स, वेरियस टाइप्स के बिल्स। अगर मैं जनरलाइज वे में बात करूं, अगर मैं किसी पर्सन से मिलता हूं और मैं पूछता हूं कि भाई आप कौन कौन से बिल हर महीने चुकाते हैं, तो उनके पास दो तीन ही चीज़ें रहती है बताने के लिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई, वाटर हो गया और गैस हो गया। हालांकि अगर ब्रॉडर वे में देखा जाए तो हर जने को टाइप्स पता रहते हैं कि उसके कौन कौन से बिल्स रहते हैं, लेकिन अगर एकदम से पूछा जाए तो कई बार किसी पर्सन को वो चीज़ें याद भी नहीं आती है। तो हो सकता है कि आप अपने एक्सपेंसेस में उसको लिखना भी भूल जाते हो। तो कौन कौन सी कैटेगरीज हो सकती है बिल्स की, पहला इलेक्ट्रिसिटी, देन वाटर, गैस, मोबाइल बिल, इंटरनेट बिल, न्यूज़पेपर बिल और डीटीएच बिल। ये आठ टाइप के कैटेगरीज आप, सॉरी, ये सात टाइप के कैटेगरीज आप मान सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ बिल्स हो सकते हैं, मेरे दिमाग में अभी तक ये सात ही हैं, तो मैंने इसको इस तरह से बना रखा है। तो ये कुछ हाउसिंग एक्सपेंसेस के टाइप्स हैं, ब्रॉडर वे में मैं जो नो मैंने आपको उसके सब टाइप्स बताए हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट खर्चे की तरफ, दैट इज लिविंग एक्सपेंसेस। ऐसे खर्चे जो आपको जीने के लिए जरूरत है जिनकी, उसमें क्या क्या हो सकता है, ग्रोसरी है जो आपको लेनी है, हर हफ्ते महीने आप लेते होंगे, सब्जियां लेते होंगे, फ्रूट्स लेते होंगे, दूध दही लेते होंगे, आप बीच बीच में अपने लिए क्लोथ्स भी परचेज करते हैं, क्योंकि ये भी आजकल जीने के लिए जरूरी माने जाते हैं। साथ ही साथ इन क्लोथ्स के लिए आप लॉन्ड्री सर्विसेज भी यूज करते हैं। और बीच बीच में होने वाले आपके मेडिकल खर्चे जो आपको जीने के लिए ज़रूरी हैं, आपको खर्चे ये करने ही पड़ेंगे। तो ये कुछ ब्रॉडर सब टाइप्स हैं लिविंग एक्सपेंसेस के जो आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं अब बात करूं तो जो एक्सपेंसेस है, दैट इज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में कौन से सब टाइप हो सकते हैं, अगर आपने कोई फोर व्हीलर या टू व्हीलर लिया हुआ है, तो जो भी आप फ्यूल एवरी मंथ एवरी हफ्ते जो आप उसमें फिल करवा रहे हैं, वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। साथ ही साथ इस फोर और टू व्हीलर का इंश्योरेंस भी आपको परचेज करना पड़ेगा, पीयूसी भी करवाना पड़ेगा, आइदर क्वार्टरली और 6 मंथ्स में। साथ ही साथ इन फोर व्हीलर और टू व्हीलर का ईयरली या सेमी ईयरली, एनुअली, जैसा भी है, आप उसका मेंटेनेंस भी करवाते होंगे, तो उसके खर्चे भी हैं। साथ ही साथ आप अगर ऑफिस जाने के लिए या इधर उधर जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट और टैक्सीज का यूज करते हैं, तो वो भी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में इंक्लूड होंगे। इसके बाद कौन सा खर्चा है, दैट इज चिल्ड्रन एक्सपेंसेस। ये भी इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि ये आप जनरल वे में कई बार कैलकुलेट नहीं भी कर पाते कई चीज़ों को। तो इसमें कौन कौन से सब टाइप्स मैंने बताए हुए हैं, पहला है स्कूल फीस, अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसकी फीस, साथ ही साथ अगर बच्चा वैन से या बस से स्कूल जा रहा है तो ट्रांसपोर्ट फीस भी आपको देनी पड़ती है। अगर आपने बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में एनरोल करवा रखा है, तो उसके भी चार्जेस आपको पे करने होते हैं। साथ ही साथ अगर हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, तो बच्चे को कई बार डे केयर या क्रैच में भी रहना पड़ता है, तो उसके चार्जेस भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सब टाइप्स है चिल्ड्रन एक्सपेंसेस के जो आप देख सकते हैं, आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने एक्सपेंसेस में। नेक्स्ट इज लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। आप अपनी लाइफ को किस तरह से जीना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या क्या खर्चे करते हैं, वो लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस में इंक्लूड होते हैं। क्या क्या हो सकता है उसमें, अगर आप हफ्ते में या महीने में बाहर खाना खाने जाते हैं या बाहर से कुछ खाना मंगवाते हैं, तो आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप एल्कोहल या सिगरेट कंज्यूम करते हैं, तो उसके चार्जेस, उसके जो एक्सपेंसेस हैं, वो भी इस लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस में आप इंक्लूड कर सकते हैं। हफ्ते महीने में आप मूवीज, एंटरटेनमेंट, गेम्स वगैरह खेलने भी जाते होंगे, तो उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने कोई जिम या क्लब की मेंबरशिप ले रखी है, तो आप उसके एक्सपेंसेस को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ये हो गया लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। उसके बाद बचता है अदर एक्सपेंसेस। इसके अलावा जो खर्चे हैं, वो अदर एक्सपेंसेस में कैलकुलेट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे खर्चे जो आपको
सालाना या 6 महीने में ही एक बार होते हैं, या हो सकता है कई बार तो दो दो तीन तीन साल में एक बार होते हैं। तो मेरा मानना ऐसा है कि आप इसको ईयरली कैलकुलेट करें, और अगर आपको उसको मंथली कैलकुलेट करना है तो आप उसको 12 से डिवाइड करके मंथली एक्सपेंसेस में इंक्लूड कर लें। तो इसमें कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं? पहला है हॉलीडेज। अगर आप बाहर कहीं घूमने जा रहे हैं जो आप साल में 2 साल में 6 महीने में जाते होंगे, तो ये कभी कभी होने वाला खर्चा है, आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। साथ ही साथ अब अगर शादी पार्टियों में जाते हैं तो वहां पे लोगों को गिफ्ट भी देने पड़ते हैं, उसको आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप जॉब में रहते हुए कुछ हायर स्टडीज करना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो उसके खर्चे भी कभी कभार होने वाले खर्चे हैं, उसको आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और न्यू हाउस होल्ड आइटम जो आपने परचेज किए हैं हाल फिलहाल में, आप उसको भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ये भी कभी कभार होने वाले खर्चे हैं। साथ ही साथ आप जिस घर में रहते हैं 3 साल में 5 साल में, उसको मेंटेन करने की भी जरूरत पड़ती रहती होगी, तो उसके खर्चे भी कभी कभार होने वाले खर्चे हैं, आप उसको भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये कुछ टाइप के अदर एक्सपेंसेस हैं। इसके अलावा भी कुछ लोगों के खर्चे हो सकते हैं, वो आप अदर एक्सपेंसेस में रख सकते हैं। मेरी एक टिप है कि मैं पर्सनली ये मानता हूं कि जो भी आप न्यू हाउस होल्ड आइटम खरीदते हैं, जैसे आप एसी खरीदते हैं, कूलर खरीदते हैं, वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, या इसके अलावा भी जो जो चीजें खरीदते हैं, जो इवन मोबाइल भी जो आप बीच बीच में खरीद रहे हैं, तो आप एक डायरी रखिए, आप एक एक्सेल शीट बनाइए, और आप उसमें जस्ट उसकी वैल्यू लिखते रहिए, ताकि ऐसे कर, जैसे आप मोबाइल ले रहे हैं तो हो सकता है आप आज मोबाइल ले रहे हैं तो 3 साल बाद आपको फिर मोबाइल की जरूरत पड़े, तो आपको बाय डिफॉल्ट ये पता रहेगा कि आप इन चीजों पर कितना खर्चा कर रहे हैं और कितने टाइम बाद मुझे इसको फिर से परचेज करने की जरूरत है। तो ये कुछ एक्सपेंसेस की कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज मैंने बताई हैं, काफी सारी सब कैटेगरीज हो गई हैं। मैं मानता हूं कि आपको एक एक्सेल शीट बना लेनी चाहिए और आपने मंथली एक्सपेंसेस को अकॉर्डिंगली अपडेट कर लेना चाहिए। हो सकता है बहुत से लोग तो एक्सपेंसेस को मैनेज करते भी हो, तो उनके लिए ये वीडियो उतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन जो पर्सन एक्सपेंसेस को एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, उनको ये सब कैटेगरीज बना के उनको मंथली उसे अपडेट करना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल नूतन स्टडीज। धन्यवाद।